देश में कोरोना के मामलों में दिल्ली और मुंबई का नंबर काफी आगे है। इन दोनों ही शहरों के आकार को देखते हुए यहाँ पर सरकारी सुविधाओं के भरोसे तो कोरोना मरीजों का इलाज होने से रहा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना के इलाज के चार्ज के पर्चों ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को डराया था, उससे अब इन दोनों ही शहरों की सरकारों और सरकारी एजेंसियों ने सबक लिया है। सबसे पहले तो दिल्ली में गृह मंत्रालय के दखल के बाद इलाज का खर्च तय कर दिया गया है। नई दरों के मुताबिक निजी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का खर्च 8,000 से लेकर 10,000 कर दिया गया है। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में रहने का खर्च 13,000 से 15,000 तय किया गया है। वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में इलाज कराने के लिए रोजाना 15,000 से 18,000 देने होंगे। तय की गई इन दरों में दवा और पीपीई किट का खर्च भी शामिल है। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के शुल्क को लेकर स्थिति दिल्ली के स्वास्थ्य महानिदेशालय ने साफ की है। इसके तहत हर एक निजी अस्पताल के 60% बेड पर ही सरकार के तय किए गए चार्ज लेने का नियम लागू होगा। अगर कोई अस्पताल पूरी तरह से कोविड अस्पताल है तो उसमें 40% बेड पर अस्पताल पुराना शुल्क ले सकेंगे। अगर अस्पताल के 60% बेड ही कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित हैं तो इन सभी बेडों पर सस्ता इलाज देना होगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने कदम उठाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। कोरोना की लड़ाई में आदमी का तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, लेकिन निजी अस्पतालों के चार्ज उस तनाव को बढ़ाकर लोगों की जान मुश्किल में डाल रहे थे। इसी तरह दिल्ली में बीते दिनों कोरोना के टेस्ट का रेट भी 4500 से घटाकर 2400 कर दिया गया था। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसके चार्ज के साथ इससे जुड़े नियम टेस्टिंग को मुश्किल बना रहे थे। अब इसका समाधान भी सरकार ने खोज लिया है। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए सरकार चार्ज घटाने का जो दावा कर रही है वो कितना कम वाकई में हुआ है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की ही तर्ज पर चलते हुए मुंबई में भी बीएमसी ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई निजी अस्पताल कोरोना के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलेगा तो उसकी शिकायत मरीजों को तुरंत करनी चाहिए। इसके लिए बीएमसी ने अस्पतालों में सरकारी ऑडिटर्स नियुक्त किए हैं जो मरीजों के बिल की जांच कर रहे हैं। पिछले महीने नियुक्त किए गए इन ऑडिटर्स ने तब से अब तक 26 अस्पतालों की 134 शिकायतों का निपटारा किया है, जिनसे 23,42,000 रुपए ज्यादा वसूले गए थे। मुंबई में जिस तरह से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, ऐसे में सरकार का ये कदम एकदम सही फैसला है। इस बीच महाराष्ट्र में निजी अस्पतालों के 80% बेड का मरीजों के बीच सही बंटवारा करने के लिए 5 IAS अफसरों की भी तैनाती की गई है।